हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा का खास महत्व माना जाता है। समय समय पर पेड़ों की पूजा के त्योहार और व्रत भी आते हैं। ज्येष्ठ के महीने में वट सावित्री के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और त्रिदेव से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। आइए आपको बताते हैं कि वट सावित्री के दिन पूजे जाने वाले बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है। दरअसल बरगद का पेड़ एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ होता है। इसकी कई बड़ी बड़ी जड़ें और शाखाएं रहती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पेड़ की शाखाएं जो नीचे की ओर लटकती हैं, उनमें माता सावित्री का वास होता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की शाखाओं और जड़ों का फैलना धरती के विस्तार को बताता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए भी बरगद के पेड़ की पूजा को अचूक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव ने समाधि लेकर तपस्या की थी। इसी कारण बरगद के पेड़ का हमारे धर्म में और अधिक महत्व है। बरगद के पेड़ से एक और पौराणिक कथा जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पति को उबारने के लिए माता सावित्री ने घोर तप किया था। माता के इस तप से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे ही लौटाए थे और साथ ही उन्होंने माता सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उन्होंने यह भी वरदान दिया था कि जो सुहागिन बरगद के पेड़ की पूजा करेगी उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में इतना महत्व रखता है।